महाराज जी जल में स्नान नहीं करते थे, नर्मदा जी में जल से बाहर बुला के स्नान करते थे। वो नर्मदा जी के किनारे गए, उन्होंने नर्मदा जी को प्रणाम किया और आह्वान किया उन्होंने मानसिक रूप से कि जल में हाथ डाला कि दे माँ। तो चार पांच थैलियाँ सोने की असरपियाँ गिनियाँ चलती थी उस समय, वो निकाल के उन्होंने चार पांच थैलियाँ गवर्नर के सामने डाल दी। नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप, आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं ग्वारी घाट में स्थित सिद्ध धाम के पावन स्थान पर। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पगलानंद जी महाराज और इनसे हम कुछ आध्यात्मिक विषयों के साथ साथ इस स्थान की सिद्धता के बारे में, जिन गुरु जी ने इस स्थान की स्थापना की उनके विषय में भी जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो स्वागत करते हैं महाराज जी आपका द खबरदार न्यूज पर। और जैसा कि इस जगह का नाम ही है सिद्ध भूमि, तो सिद्ध भूमि, तो जो सिद्ध भूमि है तो इसकी स्थापना कैसे हुई? ओम दंडे चंगम टिकलम वाम हस्ते इस्तोकम तत्पुनर्भक्षितम चा तो कई यस्मै कस्मै सुमुक्कबलम पीतभूदानम ओम कृष्णानंदा नटवर्तनम बालीला नमामि। वंदे धूनी धर्म दिव्यम दादा देवम दिगंबरम सद्गुरु सच्चिदानंदम सर्वंदम सनातनम। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संचिताः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रभु नाम ललाम जिसका सर्व मंगल धाम है और सिद्धा उस विराट स्वरूप को मेरा साष्टांग प्रणाम है। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। बड़ी खुशी एवं हर्ष की बात है कि हमारे जलपुर संस्कार धानी जवालपुरम जैसे महानगर जिसकी स्मार्ट सिटी से कल्पना की जा रही है और ये संस्कार धानी ये जवाली ऋषि की संस्कार धानी रही है और यहाँ पर यहाँ की मातृ सश्यामल भूमि मातृ गर्भा में एक से एक संत महापुरुष हुए जिन्होंने हमारी संस्कार धानी को गौरवान्वित किया अपनों अपने तप से साधना से भजन से और इस क्षेत्र को प्रदूषण से मुक्त किया उन्होंने अपनी तपश्चर्या के आधार पर। जैसे हमारे ठंडनपाल दादा धुनी वाले दादाजी प्रज्ञानंद जी ओ सो हमारे रत्नागिर वाल महाराज हरिराम दादा ठंडनपाल दादा ऐसे कई हस्तियाँ ऐसी हुई सिद्ध महापुरुष जिन्होंने अपनी तपस्या के आधार पर एक संस्कार धानी को संस्कार लोग यहाँ से संस्कार देकर इस संस्कार धानी को गौरवान्वित किया। हम उनके बहुत ही बहुत आभारी हैं। और ये दरबार परिसर जो है ये तपोस्थली रही है। यहाँ पर ब्रह्मेशी महाराज गौरी शंकर जिन्होंने जो परिव्रज का चार रहे जिन्होंने जमात का बीड़ा उठाए थे जिन्होंने 36 साल कंटिन्यूस नंदा परिक्रमा की और यहाँ पे आके उन्होंने चतुर्मास भी किया। उनके साथ कामधेनु गाय रहती थी और यहाँ नीचे जो सिद्ध कुंड है जिसमें गौमुख लगा हुआ है वहाँ पर उन्होंने एक पैर से खड़े होकर 3 घंटा पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक करते थे और कौधा और जो कामधेनु गाय थी उसके दूध से वो अभिषेक करते थे। वो गाय जब भी रमाती थी उनकी जमात आगे बढ़ जाती थी कहते हैं। यहाँ अंग्रेज गवर्नर डलहौजी यहाँ पर आए और उन्होंने ये कहा कि महाराज इतनी बड़ी जमात का 8-10 हज़ार साधु महात्माओं का काफिला आपके साथ चलता है, इतनी बड़ी जमात का खर्च कहाँ से कैसे उठाते होंगे आप लोग? तो उन्होंने कहा माई देती खाते खिलाते तो कह लगे उसमें क्या है, कंकड़ पत्थर रेत के अलावा नास्तिक थे, इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने कहा देखना चाहता है कि माई कैसे क्या देती है, ये बड़ी कृपा होगी। तो महाराज जी जल में स्नान नहीं करते थे, नर्मदा जी में जल से बाहर बुला के स्नान करते थे। वो नर्मदा जी के किनारे गए, उन्होंने नर्मदा जी को प्रणाम किया और आह्वान किया उन्होंने मानसिक रूप से कि जल में हाथ डाला कि दे माँ। तो चार पांच थैलियाँ सोने की असरपियाँ गिनियाँ चलती थी उस समय, वो निकाल के उन्होंने चार पांच थैलियाँ गवर्नर के सामने डाल दी। गवर्नर का आप संतुष्ट है कि हाँ महाराज जी, कहने लगी संतुष्ट हूँ मैं। कह लगे नहीं तू वो अंतर्यामी थे, कह लगे तू ऊपरी मन से कह रहा है।
तू सोच रहा है कि रात को डुबो के रख दी होगी, वो निकाल के दे दी होंगी, तो मुझे इतना नाज और गौरव है उनके ऊपर कि तू जहाँ सके वहाँ से निकाल के देंगे। तो नर्मदा जी में फिर से उन्हें नाव बुलवाई, पुलिस फोर्स, गवर्नर, संत लोग उनके साथ बैठे, नाव में बैठे महाराज श्री, और बीच मध्यधार में फिर नाव ले गए। वहाँ अथाह जल था कि यहाँ तो नहीं रख सकते, कि यहाँ तो रखने का सवाल नहीं, तो कहने लगे ठीक है। फिर उन्होंने मानसिक रूप से आह्वान किया और जल में हाथ डाला कि दे माँ, जल में हाथ डाला जैसे ही, तो वैसी चार पाँच थैली फिर उन्हें निकाल के नाव में गवर्नर के सामने रख दी। तो कहले अब तो संतुष्ट, कहाँ महाराज जी, कहने लगे मैं क्षमा चाहता हूँ, मैंने जो उद्दंडता और गलती की मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और जो है उन्होंने ताम्रपट पर लिख कर दिया कि हमारे देश के महान अवतारी पुरुष लाल पादरी हैं, जिन्होंने हम मुझ जैसे नास्तिक व्यक्ति को अपनी अद्वितीय विलक्षण शक्ति द्वारा मुझे चमर्चित किया, मैं इनका बहुत ही बहुत आभारी हूँ। वो ताम्रपट आज भी होशंगाबाद से 20 किलोमीटर दूर कोकसर है, वहाँ पर काशीनंद गौरीशंकर महाराज नर्मदानंद जी की समाधि वहाँ पर बनी हुई है। 90 या 300 एकड़ जमीन लगी, वहाँ मालगुजार सेवा में रहते हैं, वहाँ अन्य क्षेत्र सदावृत आश्रम की तरफ से चलता है। तो यहाँ पर उनने महाराज जी, गवर्नर ने कहा महाराज जी मैं कुछ सेवा करना चाहता हूँ, तो उन्होंने फकड़ी भाषा में कहा, कहने लगे जिसको 1000 हाथ की देने वाली वो माँ बैठी, तू दो हाथ का क्या कर सकता, दे सकता, चल अपना आगे काम कर अपना। नहीं नहीं महाराज जी मेरी इच्छा है कुछ सेवा करने की। कहने लगे ठीक है तेरी इच्छा है तो दरबार खुला है। तो उसने फिर श्रीफल साल से सबका स्वागत किया, फूल माला से लिफाफा दे के, और विशाल एक भंडारा किया, उसमें घी कम गया था। महाराज जी इसका महाराज जी घी कम गया है और लोग काफ़ी हैं, तो कह लगे जा माई से उधार लिया। तो तीन लेके गए, उसमें माई में जल भरवा के लाए, एक कढ़ाई में डाल दो उसमें मालपुआ वो पूरी सिक रही, और उनका जब घी को लेके आया तो कह लगे जब माई से उधार लेके आए थे माई में डाल दो उनको। तो ये इन घाटों का नामकरण संस्कार उन्होंने अपने श्रीमुख से किया था, ये तपोस्थल ही रही है उनकी। दादाजी का और गौरीशंकर महाराज जी का मिलन यहीं पर हुआ, तो गुरु अवशिष्ट का ये वो जगह है, आस्था का अलग हाँ, एक उदाहरण। हाँ बिल्कुल। तो कैसे क्या विस्तार करें क्या एंड करें, अब आपके विचार पे आएंगे। वो जब यहाँ पर आए जो धूनी बाबा थे, तो यहाँ पर कैसे उन्होंने अपनी साधना शुरू की और कैसे फिर यहाँ ये सिद्ध स्थान जो है अल्पायु में 5 से 7 वर्ष की आयु अल्पायु में ही इधर आए थे वो। उनका माँ बताते थे स्वामी शंकरानंद जी महाराज के, इनके माता पिता बिहार के में चीटी गांव था वहाँ के थे, विद्यावती माता जी थी, पिता शिव बालक पंडित थे इनके, और 5 वर्ष की अवस्था में इनकी माँ का देहावसान हो गया था। तो ये माँ के वियोग में खोज करने के लिए माँ की निकल पड़े थे और यहाँ आके गुरुदेव का और गौरीशंकर महाराज जी को देखते मात नर्मदे हर की नारे लगा रहे थे, जयघोष कर रहे थे। तो वो कहने लगे महाराज जी ये कौन माँ है जिसकी आप जयघोष कर रहे हैं। तो वो समझ गए कि यार ये बालक माँ के वियोग में खोज में माँ के निकला है लगता है, का अभाव महसूस कर रहा है। तो उन्होंने शांत नदी के बेटा ये वो माँ है, ये मेरी नहीं आप सबकी माँ है, ये जल नहीं बह रहा है ये दूध बह रहा है, दूध पी के हम लोग अपने मस्त रहते माँ का, यहाँ से फिर उनको सांत्वना दे। तो इतना तीव्र अनुराग बढ़ा कि वो जल में कूद जाते थे माँ के आँचल समझ के दूध पीने के वजह से, और समाधिस्थ हो जाते थे उसमें, तो साधुओं से निकलवा के उनको बाहर लाना पड़ता था तीव्र बैराग। फिर अल्पायु में ही उनको बनारस प्रथमा मध्यमा शास्त्री आचार्य विद्या अर्जन करने के लिए भेजा, अल्पायु में ही उन्हें सर्टिफिकेट ला के गुरुदेव के चरणों में रख दिए थे। यहाँ पर काफ़ी लीलाएं उन्होंने दिखाई, योग के बारे में योगानंद जी सरस्वती थे एक महात्मा योग में वो प्रवीण थे, उनके संरक्षण में छोड़ दिए योग का प्रशिक्षण लेने के लिए। फिर उनको और भंडार वगैरह बनाए, भंडारी के रूप में भी इनको नियुक्त कर दिया था। तो भंडार बनाए साधु महात्मा सब सोते रहे और जब उठे तो तकिया के नीचे इनको शुद्ध घी का हलवा मिले सबको, कि कौन रख जाता है क्या, तो लोगों ने छिप को उठ के देखा कि कौन रख जाता है। तो देखा दादाजी, देखे तो दोनों तरफ शेर बैठे दादाजी के, दो पक्के सो गए सब लोग, अरे ऐसी कई लीला उनकी। और आप दादाजी के प्रभाव में या आध्यात्मिक प्रभाव में कब आए, कब ईश्वरीय प्रेरणा आपको प्राप्त हुई? हाँ हमको साई घर 40-45 साल ही होगा, साल होगा 15-18 वर्ष की ऐसी उम्र रही हो गया लगभग। तो उनके धुनी पर जाते लगाव था, दादाजी 5 शरीर छोड़े थे, राम सेवक, माधव, कृष्णानंद, केशवानंद,
के नाम से विख्यात हुए थे वो। अभी बिहार में नई चीज़ सुनी कि वहाँ पे जब हम गए तो वहाँ लंगटा गेडी में नंगटा बाबा के नाम से जानते हैं दादाजी को, वहाँ उनकी समाधि, वहाँ कलेक्टर सबसे पहले चादर चढ़ाते हैं, इसके बाद सब लोग चढ़ाते हैं। तो वहाँ पे भी नई चीज़ एक पता चली कि लंगटा बाबा के नाम से जानते हैं धुनवालदाजी बिहार में, झारखंड में गेडी है वहाँ, बड़े देव का स्थान है। तो वहाँ पर गए का कहते हैं ऐसे कई शरीर कुआ में गिर गए तो वहाँ छोड़ के दूसरी जगह धारण कर लिए, दूसरा सर्प ने काट खाए वहाँ शरीर छोड़ के तीसरी जगह प्रकट, ऐसे पांच शरीर उन्होंने बदले तो पांच नाम सब के अलग अलग हैं। परकाय प्रवेश की उन्हें पराकाष्ठा क्षमता थी, एक शरीर में उस शरीर में प्रवेश करने का शाम तो जाए उसके शरीर में सही छोड़ कर इच्छाधारी शरीर। हाँ, करपाती जी महाराज बहुत जुड़े थे, उनका बड़ा भाव रखते थे। आपकी अभिप्रेरणा के बारे में हम जानना चाह रहे हैं कि आपको कब ऐसा लगा कि आध्यात्म प्रभु के शरण में जाना। छः महीने एक कमरे में बंद रहे हम छोटे, खाना पीना सब छोड़ दिए, पहले पहलवानी करते थे, व्यायाम करते थे, अच्छा पढ़ने लिखने जाते थे, फिर ये संतों की संगत में आके स्थल हमारा थोड़ा रुझान बढ़ा। तो वहाँ दादाजी के जगह लगन से जाते धुनी पे, चाहे आंधी तूफान आए चाहे कुछ जाना है, मतलब जाना है टाइम निश्चित रहता है पहुँचने, वो लगन ने हमको ऐसा परिवर्तन लाया कभी, क्योंकि हम खाना पीना सब छोड़ दिया, हमने जल भर लेते थे, कोठी में छः महीने बंद रहे। भाई साहब हमारे बड़े समाज सेवी थे, बड़े चिंतित होकर के अच्छा वाला व्यक्ति था ये, कैसे क्या अच्छा एक एक पसली वगैरह लिखने लगी थी हमारी, सब छोड़ दिया जल भर छोड़ लेते थे। तो हमको दिखाया कि लोगों का वहाँ पट एक पट वो है पटवा भाई पिपरिया वहाँ ले जाओ, उनको दिवाली पर वहाँ झरवाओ फुकवाओ, मेंटली डिस्टर्ब तो नहीं है, कहीं कुछ कर तो नहीं दिए, किसी को दे तो नहीं दिए, दिलाए मिलाए। तो वहाँ उनके जब मंगलवार को दिवाला लगता तो कई लोग आते थे वहाँ अपने दुख सुनाने, तो वहाँ पर ले गए भाई साहब, तो उन्होंने देखा सुना, हम आवाज़ बोलते नहीं थे, आवाज़ चौक थी हमारी, त्रिशूल वगैरह उन्होंने दिवाले से निकाल कर यहाँ महाराज जी को पान तो करा महाराज जी कुछ तो उनको भी तो फिर जो है करवाया उन्होंने अपने हमको त्रिशूल उठाए गौचा या छेदा शायद बोले नहीं बोले, नीचे रोड बन रही थी, पत्थर गिट्टे पत्थर पड़े थे, मशीनें चल रही थी बेलन वगैरह, ऊपर से हम अचानक डाई मार दी नीचे धड़ाम से गिरे थे सब दीवार पर, जितने लोग थे सब उठाने आ गए नीचे, अरे क्या हो गया क्या, फिर हमको हॉस्पिटल ले गए। लेकिन आपको कुछ भी नहीं हुआ? हाँ हॉस्पिटल ले गए हमको चेकअप कराने, वहाँ डायग्नोसिस की हुआ, डॉक्टर ने कहा इनको कुछ नहीं हुआ कि घुटने में स्वेलिंग जरूर है थोड़ी, ये कोई महान शक्ति का साया इनके साथ जिसने इनकी रक्षा की, नहीं तो कुछ जो आवाज। फिर इनने कहा कि वो चुड़ैल मसान लगा है उल्ट पक वो मुर्गी और बुलाना पड़ेगा सामग्री इन्हें उतारा करना पड़ेगा, जब इनकी अला बला होगी वो पटवन भाई कहने लगी। भाई साहब ने कहा कि हम पैसे दे देते हैं आप सामान बुला लेना आप जो भी लगे पर ये ठीक हो जाए। तो जब उन्होंने घटना सुनी इनका कुछ नहीं हुआ चलेंगे पैर में, तो क्योंकि मेरे बस का रोग नहीं, फिर वो पटवन भाई के इनको ठीक करना, इनके साथ कोई महान शक्ति का साया जिसने इनकी रक्षा की। फिर भाई साहब घर ले आए गाँव साई खेड़ा, तो वहाँ सिविल सर्जन को दिखाए डॉक्टर को कि कोई डिसीज तो नहीं बीमारी, डॉक्टर को हाँ सिविल सर्जन को दिखाए तो उन्होंने कहा कि इनको मेंटली डिस्टर्ब है, गर्मी बढ़ गई, ग्वालियर ले जाओ हॉस्पिटल भर्ती करने के लिए, वहाँ साग लगेंगे तो शायद ठीक हो जाए। तो ग्वालियर जाने की तैयारी चल रही थी लोगों की, इसके पहले ही कपड़े फेंक दिए हमने सब दिगंबर हो गए और एक नरगिल लेकर धुनी को दौड़ लगा दी, कह लगे इसके अंदर इतनी एनर्जी कहाँ से आ गई, एकदम से खाए पिए नहीं साला जल भर लेता था, देखो भाई कहीं से शॉर्ट साइड निकल ले कहीं कूद न जाए हाथ पैर फ्रैक्चर हो जाने को। धुनी पे गए वहाँ तो दादाजी की धुनी नरगिल छोड़ा भभूत लेकर लगाई गले में सब में, और फिर जयकारा बोले आवाज़ खुली वहाँ, झंडा हिलाया तो काजू किशमिश गिनना शुरू, टिकट बांटना धुनी में से गर्म गर्म शुरू, ये क्या मामला था लगी तो उल्टा, तो थानेदार उपाध्याय था उसको नहीं दिए प्रसाद, तो चिड़ गया कि उठा ढोंग दतूरा करता उठा के थाने बंद करो उसको ऐसा वैसा, तो उससे कहा कि तेरा प्रसाद तेरे घर क्वार्टर में पहुँच गया जाके देख, इसलिए तो जाके देखा तो वहाँ पर टकिया की खोली में टिक्कर चने की भाजी बहुत प्रिय थी दादी को, और गोलकर डेला पंचमी वहाँ का प्रसाद जब उसको मिला
तो आगे प्रणाम क्षमा माल के मैं पहचाना नहीं आपको, ऐसी बहुत सी लीलाएँ मंदिर के गुम्बज के ऊपर एक सोने का ओम हीरा लगा उसमें और नारियल काजू किशमिश की ऐसी माल और नीचे गोला नारियल के लगा उसको निकाल के लाओ चांदी के सिक्के जगह खुदवाए तो वहाँ मिले तो इनको बेचना है लक्ष्मीनारायण के मंदिर में ठकवा देना चौखट पर निशानी रहेगी आज भी लगे हैं देखते हैं लोगों कई ऐसे चमत्कार कोई एक इधर कंजड़ मोहल्ले में इधर कोई को डिक्लेयर कर लिया शांत हो गया उसको हाथ या लात मार दी क्या है भगवत लाज वो ठीक हो गया जिंदा हो चलने लगा तो हल्ला मच के कंजड़ मोहल्ले खटी को तो मानती नहीं साली शराब उतरती उस मोहल्ले में फिर उसके बाद ये लगे। आपने फिर ये चमत्कार कब छोड़े और आखिर क्यों छोड़ दिए? इसलिए छोड़ दिए कि कुछ लोगों का क्या है ये चैन वगैरह कहीं टाप से वगैरह गिर जाए भीड़ में धक्का मुक्का मुक्का कि ये तो नहीं बुला लेते ऐसे संस करने लगे साले तो उल्टा सोचने लगे अरे हमने कि अरे तो साला फिर एक महात्मा हमको मिल गए परकम्मा में उनने फिर हमको बताया अरे कई विवेकानंद जी से भी स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा था बेटा नरेंद्र विवेकानंद ने कहा गुरुदेव ये सिद्धियाँ जो चमत्कार के ईश्वर को पाने में बाधक हैं सहायक हैं ये बेटा ये बाधक हैं इनमें नहीं उलझना चाहिए लोग इनमें उलझ के अपने अपने को सीमित कर लेते हैं इसके आगे भी कोई अध्यात्म मार्ग है भौतिकता की ओर हाँ अग्रसर तो इससे इससे परे होना चाहिए इसमें लिप्त तो नहीं होना चाहिए भटक जाता है आदमी श्रेय तो मिलता है मान सम्मान को मिलता है इसमें लेकिन कभी कभी विचलित हो जाता है आदमी ये सब देख के तो अहंकार जागृत होने लगता है तो इसलिए कि इसमें नहीं पढ़ना तो उनने जब ये बात बताई तो उनके अरे विवेकानंद कहा कि जो अपने इष्ट से हमको विमुख कर दे जो सिद्धियाँ चमत्कार ऐसे हमें चमत्कार सिद्धि की जरूरत नहीं रामकृष्ण परम जी ने विवेकानंद कहा कि बेटा मेरे पास अष्ट सिद्धियाँ तेरे को अगर चाहिए क्योंकि गुरुदेव मेरे को ऐसी सिद्धि नहीं चाहिए जो मुझे अपने लक्ष्य से विमुख कर दे तो वो बात मेरे को शिक्षा प्रति लगी जब से फिर मैंने माई से प्रार्थना की दाई कि आपने अपनी लीला दिखा दी अब आप अपने पास रखो मेरे को शांति से भजन करने दो घेरे रहते थे नित्य कर्म नहीं कर पाते थे समय पर नहाना नहीं प्रसादी नहीं पाना सब दिनचर्या अस्त व्यस्त नहीं कर पाते रहे की वजह से जिस प्रेरणा की वजह से ये सारी चीजें अपने पास रखो हमें शांति से हमें भजन करने दो और सबसे बड़ा आनंद भी तो भगवत भजन ही है क्योंकि जब तक भगवत कृपा नहीं है तब तक इन सारी चीजों का कोई विशेष अर्थ नहीं प्राप्त होता है। हम चले आगे तो और भी कार्यक्रम बड़े शेष सब इंतजार कर रहे हैं अभी आए हैं लोग नहीं चलिए ठीक है हम आपका समय ज्यादा नहीं लेंगे आपने मंगल कल्याण के लिए प्रभु माँ जगत जननी से प्रार्थना करते हैं नर्मदा जयंती के पावन अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाई ढेर सारी और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत् हो सद्गुरुदेव भगवान की जय नर्मदा मैया की जय भक्तोर भगवान की जय भारत माता की जय भारत के सच्चे सपूतों की जय मात नर्मदे नर्मदे हर बहुत बहुत धन्यवाद अपना मूल समय देने के लिए हमें तो ये थे हमारे साथ पागल बाबा जीन महाराज और जिनसे हमने आध्यात्मिक चर्चा इस सिद्ध धाम के विषय में चर्चा की बने रहें खबरदार न्यूज।